महाराष्ट्र के कोलाड में भारी बारिश की वजह से स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क। मुंबई को गोवा से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ बहुत बड़ा गड्ढा, आने जाने वाली गाड़ियों के लिए खतरा बढ़ा। गुजरात के डांग में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही है अंबिका नदी। निचले इलाकों में पहुंचा नदी का पानी, एक ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया। भारी बारिश के बाद कोलकाता में हाल हुआ बेहाल। कोलकाता एयरपोर्ट पर भरा पानी, एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में भी जलजमाव। मध्य प्रदेश के रायसेन में पिछले 48 घंटों में लगातार बारिश, डैम के गेट खोले जाने से सांची और उबेदुल्लागंज ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से रायसेन के शहरी इलाकों में भी पानी भरा, घरों में घुसा पानी, छोटे पुल पुलियों पर पानी होने की वजह से दर्जन भर से ज्यादा गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया। करगिल के कबड्डी नाला में इमारत ढहने से हुआ बड़ा हादसा, 12 लोग हुए घायल, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भारी बारिश के बीच भरभराकर गिरा मकान, 3 साल के मासूम समेत 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के शहडोल में भारी बारिश की वजह से झरप नदी पर बनी पुलिया टूट गई, 50 गांव का संपर्क टूट गया है, आवागमन हुआ बाधित, जान जोखिम में डालकर टूटी पुलिया के ऊपर से बाइक निकाल रहे हैं लोग। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या 350 के पार, 96 पुरुषों, 83 महिलाओं और 29 बच्चों समेत 210 के शव बरामद किए गए, अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आसमानी आफत के बाद वायनाड में हर तरफ तबाही के निशान, मौत का आंकड़ा 350 के पार, रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर के लिए जा रही है मदद। वायनाड में आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लगातार लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू, आर्मी की मराठा यूनिट ने 3 लोगों को सुरक्षित बचाया, सूजीपारा वॉर फॉल में फंस गए थे। वायनाड आपदा में नौसेना के जवान भी रेस्क्यू में जुटे, अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, लगभग 300 लोग अब भी लापता हैं। वायनाड में आपदा प्रभावित इलाके में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने किया स्थलीय निरीक्षण, लैंडस्लाइड वाले इलाके में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा, पीड़ितों से भी मिले शशि थरूर। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार, केदारनाथ घाटी में रास्ता बंद, दुर्गम स्थानों के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान ऑपरेशन चला रहे। केदार घाटी में तबाही के बाद निरीक्षण करने पहुंचे स्थानीय सांसद अनिल बलूनी, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारियों से बातचीत के बाद लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया, हालात पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। शिमला के रामपुर में भारी तबाही के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 8 लोगों की मौत, अभी भी 47 लोग हैं लापता। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की केंद्र सरकार से अपील, हिमाचल में आपदा से हो रहे नुकसान के लिए केंद्र मदद करे, कहा अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को 450 करोड़ का नुकसान हुआ है। शिमला में बादल फटने से हुई भारी तबाही, नाले में बाढ़ आने की वजह से सरपारा गांव में फंस गए हैं लोग, 2 घंटे पैदल चलकर सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, नदी नालों में उफान आया हुआ है, पुल के ऊपर तेजी के साथ बह रहा है पानी, यातायात भी बाधित हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से रांची के शहरी इलाकों में भारी जलजमाव, दीपा टोली में तालाब सड़कें बन गई हैं, दर्जनों घरों में भी पानी घुस गया है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग्स को सील किया गया, शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने कराई थी पैमाइश, 25 जुलाई को भवन खाली करने का प्रशासन ने नोटिस दिया था। अयोध्या गैंगरेप केस में पुलिस प्रशासन का एक्शन हुआ तेज, आरोपी मोहित खान के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई। अयोध्या में गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर भी विभाग ने छापेमारी की, बेकरी में बने हुए सामानों की जांच के बाद बेकरी को सील किया गया, लाइसेंस भी कैंसिल हुआ। अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद, मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान फूट फूट कर रोए भी, कहा बच्चे को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने धरना देंगे। नाबालिग बच्चे से गैंगरेप के मामले में एक्शन में सीएम योगी, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया। रांची में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, कांकेर रिंग रोड के पास से शव बरामद, स्पेशल ब्रांच में तैनात थे अनुपम।
गाजीपुर में मां बेटी की मौत पर सियासत हुई तेज। डीडीए और एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। डीडीए पर लापरवाही का आरोप लगाया। दो दिन पहले बारिश के दौरान नाले में गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। दिल्ली के एक स्थायी शेल्टर होम में बीते एक महीने में बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बना है आशा के लिए शेल्टर। एनसीडब्ल्यू की शुरुआती जांच के मुताबिक दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में मिली कई प्रशासनिक खामियां। दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी जाएगी पूरी जांच रिपोर्ट। आशा किरण शेल्टर होम में बाकी बचे हुए मरीजों को बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बीते एक महीने में बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ अडानी ग्रुप के एमडी प्रणव अडानी भी मौजूद रहे। 16,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा सीमेंट प्लांट। उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया। उद्धव ने शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। कहा अब्दाली के राजनीतिक वंशज सिखा रहे हिंदुत्व। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल हुई तेज। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास वर्षा बंगले पर मुलाकात की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार। करीब आधे घंटे सीएम शिंदे के आवास पर बैठक हुई। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। मिशन मुंबई में जुटी बीजेपी। 36 विधानसभाओं के लिए विशेष रणनीति बनाने का प्लान। उद्धव गुट को बड़ी चुनौती देने के लिए 5 अगस्त को होगा बीजेपी के दिग्गजों का मंथन। जम्मू कश्मीर में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस समेत करीब दर्जन भर छोटे बड़े दल के नेता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने और सभी अधिकारों की बहाली की मांग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी। 8 से 10 अगस्त तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। तैयारियों का लेंगे जायजा। कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। 75 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे। यूपी में एमएलए विनय वर्मा ने अधिकारियों से परेशान होकर इस्तीफा देने की बात कही। कहा अधिकारी सीएम से झूठ बोलकर कर रहे हैं कहा विधायकों का अपमान कर अधिकारी कर रहे हैं मनमानी। चंडीगढ़ में गोलियों से गूंजा कोर्ट परिसर। पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी ने अपने दामाद पर चलाई गोली। गोली लगने से शख्स की मौके पर मौत। वारदात से कोर्ट परिसर में फैली सनसनी। यूपी के वाराणसी में फर्जी दारोगा चढ़ा पुलिस के हत्थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की वर्दी में लाइन में लगा था फर्जी दारोगा। पुलिस को शक होने पर पकड़ा गया जालौन का रहने वाला अभय सिंह। यूपी के बरेली में युवती के अपहरण के बाद पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर को लगाई आग। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। तनाव बढ़ता हुआ देख इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ताजमहल में दो युवकों ने चढ़ाया गंगा जल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर ताजगंज पुलिस को सौंपा। चांचल